के नई शराब नीति घोटाले में ईडी ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर जो सुबह सुबह छापेमारी की है उसको लेकर संजय सिंह के घर पर ईडी की टीमें करीब 20 लोग इस टीम में मौजूद हैं जो संजय सिंह के घर पर इस वक्त कार्रवाई कर रहे हैं। और रेड के दौरान संजय सिंह के घर के बाहर सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई है। ईडी सूत्रों के मुताबिक आबकारी केस में दो आरोपी गवाह बन गए हैं और इसी के बाद ईडी ने संजय सिंह के घर पर ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी राघव मुंगटा सरकारी गवाह बन गए। राघव मुंगटा वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मंगुटा श्रीनिवासुलू रेड्डी के बेटे हैं। कोर्ट ने दिनेश अरोड़ा को भी सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी थी। दरअसल नई एक्साइज पॉलिसी में घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में है, तो वहीं सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 मई 2022 से हिरासत में है। और ऐसे में संजय सिंह के घर पर रेड, क्या आम आदमी पार्टी के एक और नेता के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर कार्रवाई की जानी है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कब करता है ये समझ, जब पैसों की हेरफेर का मामला हो, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो, काले पैसे को सफेद करने का मामला हो तो ईडी उस मामले को देखता है। और इससे पहले आपको याद होगा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था। नई सरकारी शराब नीति को लेकर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद कई गिरफ्तारियां हुई, कई लीड्स मिली और कहा जा रहा है कि एक बार फिर से एक नई टिप के बाद जब दो नए सरकारी गवाह बने तो अब जांच की आंच जो है वो संजय सिंह तक जा चुकी है और संजय सिंह के खिलाफ इस वक्त कार्रवाई चल रही है, जहां उनके घर पर ईडी की टीम 20 सदस्यीय ईडी की टीम जो है वो इस वक्त कार्रवाई कर रही है। और इस बीच संजय सिंह के पिता की तरफ से क्या कुछ कहा गया है जरा वो भी सुन लीजिए। कदू बेईमान है और मैं सिद्ध न कर पाऊँ तो जबरदस्ती शब्द कहा जाएगा कि और कुछ कहा जाएगा। नहीं, मैंने केवल इतना पूछा, आप लोग कहाँ से आए हैं, कौन है? मैं तो जान लू, मैं उनका फादर हूँ, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ आप लोग, लेकिन कुछ तो मैं समझ पा रहा हूँ। यू पी विल हैव कम फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ यूथ, तो मेरी समझ आई है। और संजय देर रात आए हैं, सो रहे हैं और मैं बहू के कमरे में जा नहीं सकता, बींग ए फादर इन लॉ, अगर आप लोग परिवार वाले हों, ये मैंने उनको जवाब दिया। मैंने अपने स्तर से प्रयास किया, वो जग जाए, और जैसे ही जग के आए मैंने इस टीम को उनके हवाले किया और उनके अधिकारी से कहा कि क्या मैं बाहर जाके बैठ सकता हूँ। कहा अंकल जी आप जाइए बैठिए। मैंने अपनी तरफ से चाय पानी जो एक भारतीय संस्कृत है ऑफर किया, दे ऑल इग्नोर्ड। मैंने सोचा उनका पार नहीं होगा टू एक्सेप्ट माई विजिट हॉस्पिटलिटी, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अभी मैं थोड़ा मिल के कहा था कि कृपया आप अपनी इंक्वायरी देर रात आज जरूर कर डालिए और बार बार की ये छापेमारी जरा कम अच्छी लगती है। पिता को आप सुन रहे थे, जब ईडी की टीम वहां पर आई, अधिकारी वहां पर आए तो क्या कुछ वहां पर नजारा था, क्या कुछ हुआ, ये वो विस्तार से बता रहे थे। बातचीत के लिए हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भावना किशोर भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। लेकिन गौरव, पहले आप ही के पास आते हुए, संजय सिंह के घर पर ईडी की तरफ से रेड की गई है सुबह सुबह, इससे पहले मई में भी ये रेड की गई थी, उस वक्त सामने कुछ नहीं आया, लेकिन अभी क्या कुछ अपडेट, क्या रेड अभी भी चल रही है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है वहां से? बिल्कुल देखिए प्रीति, चूंकि ये मामला बेहद बड़ा और होता जा रहा है क्योंकि नई शराब नीति में जो कथित रूप से घोटाला हुआ उसमें न सिर्फ ईडी बल्कि सीबीआई दोनों ने ही मामले दर्ज किए हुए हैं, लेकिन ईडी के जो ये ताजा सर्च है या रेड जिसको कहें, जो कि संजय सिंह के सरकारी आवास 131 नॉर्थ एवेन्यू में हो रही है, ये दरअसल इसका बैकड्रॉप ये है इसके कि इसको जो कल दो सरकारी गवाह बने हैं जिसमें खास करके राघव मुंगटा और दिनेश अरोड़ा जिनका बार बार जिक्र हो रहा है, इसके अलावा इसके पहले एक और गवाह बने थे सरकारी अरविंद रेड्डी जो थे, वो तीन लोग, उन तीनों लोगों के सामने सरकारी गवाह बन जाने से वो जानकारियां जो अभी तक छुपी हुई थी वो निकलकर सामने आ रही है। और उन ताजा जानकारियों के संदर्भ में जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये जो सर्चेज हैं वो शुरू की हैं। ये जान लेना जरूरी है कि चूंकि इस मामले में सरकारी गवाह बनने के बाद न सिर्फ राघव मुंगटा और दिनेश अरोड़ा को एक इम्यूनिटी मिली है और इसी इम्यूनिटी का फायदा होते हुए वो उन तथ्यों को सामने ला रहे हैं जो अभी तक जांच में और पूछताछ में सामने नहीं आई थी। तो जाहिर तौर पर आप सांसद, राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें जो हैं वो बेहद बढ़ेंगी क्योंकि हमने देखा था कि ईडी ने जब इस पूरे मामले में अपनी इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाया था तो खास करके जो साउथ ग्रुप था जिसको लेकर सबसे ज्यादा जिक्र था कि उसके
कहने पर जो है वो शराब नीति का जो है वो निर्माण किया गया दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा। उस शराब नीति को बनाने में, साउथ ग्रुप का साथ देने में आप सांसद संजय सिंह की भूमिका को लेकर ईडी ने तमाम सवाल खड़े किए थे और अब जाहिर तौर पर पिछले तीन घंटे से 131 नॉर्थ एवेन्यू में ये सर्च जो है वो सर्च चल रही है, उसको लेकर आपसे बातचीत करेंगे। भावना किशोर भी हमारे साथ जुड़ी है। भावना, क्योंकि ईडी जब कार्रवाई कर रही है खासतौर पर इस नई शराब नीति में हुए घोटाले को लेकर, तो हर बार कुछ चौंकाने वाला सामने आता है और इस बार अब आम आदमी पार्टी के बड़े नेता संजय सिंह के खिलाफ ये कार्रवाई, लेकिन उन दो गवाहों का रोल जरा समझाइए। ये दो गवाहों का रोल किस तरह से इस कार्रवाई में नजर आता है, क्योंकि ईडी जैसी बड़ी संस्था जब कार्रवाई करती है, बड़ी इंस्टीट्यूशन जब कार्रवाई करती है, तो उसके पीछे कोई ठोस लीड होती है, तो क्या वो ठोस आधार, वो ठोस सबूत टीम के पास मौजूद है जिसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल अनुराग, कोई ना कोई लीड जो है वो मिली होगी और उसी के आधार पर यहाँ पर आज जिस तरह की छापेमारी हो रही है उसको देखते ही हुई की जा रही होगी, जिस तरह से दो लोगों ने जो भी बात कही होगी उसके आधार पर। लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पर जब बता देते हैं कि इस वक्त संजय सिंह के घर के बाहर हलचल काफी ज्यादा तेज है, क्योंकि अब तीन घंटे का वक्त हो चुका है और उनके पिता भी बार बार ये बात कह रहे हैं कि मैंने ईडी के अधिकारियों से बात करते हुए कहा कि बार बार छापेमारी अच्छी नहीं लगती है, जो करना है आज रात तक कर लें। इसलिए आप देख सकते हैं इस वक्त अब गेट बंद है पूरी तरीके, 131 संजय सिंह के घर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। वहीं हालांकि आप देख सकते हैं इस वक्त मीडिया का जमावड़ा उनके घर के बाहर लगा हुआ है। वहीं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता जो यहां पर पहुंची हुई थी, उनका कहना है कि बदले की भावना से यह राजनीति हो रही है, पहले सत्येंद्र जैन, उसके बाद मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह, यानी कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं उनके पिता इस वक्त पार्क में बैठे हुए हैं, जिनका कहना था कि जैसे ही ईडी की टीम सुबह पहुंची, संजय सिंह उस वक्त सो रहे थे, उसके बाद हमने उन्हें उठाया और उसके बाद हमने उनके हवाले कर दिया और ये भी बोला कि आप आज रात तक पूरी छापेमारी कर लीजिए, क्योंकि बार बार इस तरह की तस्वीरें आना अच्छा नहीं लगता। और यही अगर बात करें तो सुना भी जब संजय सिंह के पिता खुद बता रहे थे कि वहां पर क्या कुछ हुआ था। गौरव और भावना, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे और जब अपडेट हम आपको लेंगे तो बताएंगे कि कार्रवाई में क्या चला। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, संजय सिंह पर ईडी रेड पर आम आदमी पार्टी का पहला रिएक्शन सामने आया। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की सजा है, आम आदमी पार्टी ये बात कह रही है। मोदी सरकार आपको डराने की कोशिश कर रही है, संजय सिंह के घर से कुछ नहीं मिला, एक बार फिर से आम आदमी पार्टी यही दावा कर रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी कह रही है कि अभी कुछ मिलने वाला नहीं है, केंद्र सरकार देश ताना शाही से चलाना चाहती है। देखिए, इसीलिए यह सवाल भावना किशोर से पूछा था कि जब इस तरह की कार्रवाइयां होती है किसी बड़े नेता के खिलाफ या बड़ा इंस्टीट्यूशन जब कार्रवाइयां करता है, तो क्या बिना किसी पुख्ता सबूत के कार्रवाई हो सकती है? तो जानकारी हमारी सहयोगी भावना दे रही थी, लेकिन अब इस कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है और इस पूरे मामले पर रीना गुप्ता की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी सुन लिया। पहले से ही कह रहे थे, क्योंकि वो मोदी और अडानी के इशू पे बहुत प्रखरता से अपनी आवाज उठा रहे थे। वो कह रहे थे कि इतना क्लियर जब पूरा प्रूफ है मोदी अडानी लिंकेज का और पूरा जो ब्लैक मनी अडानी की कंपनी में इन्वेस्ट हुआ है उसके खिलाफ वो आवाज उठा रहे थे। यही कारण है कि आज उनके ईडी की रेट पड़ी है। इससे पहले भी कहीं कुछ नहीं मिला, आज भी कुछ नहीं मिलने वाला है। ये सिर्फ ये सोच रहे हैं मोदी जी कि इस तरह से संजय जी को और हम सबको डरा पाएंगे, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। कोई नहीं डरने वाला है और उतनी जोर से हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। कल पत्रकारों के घर रेड पड़ी है, आज संजय जी के घर रेड पड़ी है। मोदी जी देश में तानाशाही चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरे